गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर पहुंचे। शाही स्नान के इतिहास में यह पहला मौका था जब किन्नर अखाड़े ने भी सभी अखाड़ों के साथ शाही स्नान किया। प्रयागराज कुंभ में शाही स्नान के समय कराई गई पुष्प वर्षा, सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। शाही तरीके से साधु संत और श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। कुंभ में शाही स्नान वाले घाट पर की गई पुष्प वर्षा। प्रयागराज में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने महाकुंभ के अवसर पर गंगा स्नान किया और स्नान करके अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा हर हर गंगे। साथ ही स्नान के समय गंगा में डुबकी लगाने की तस्वीर भी वायरल हुई। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने की पूजा अर्चना, गोरखनाथ बाबा की पूजा अर्चना कर चढ़ाई खींच ली। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने लखनऊ में अपना 63वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश ही केंद्र सरकार के साथ प्रधानमंत्री भी तय करता है। लखनऊ में मायावती के घर जाकर अखिलेश यादव ने मायावती को जन्मदिन की बधाई दी। अखिलेश यादव ने शॉल देकर मायावती का सम्मान किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे एक दिवसीय सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के 299 के दिए लक्ष्य को भारत ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। साथ ही रनों का पीछा करते हुए कप्तान विराट कोहली ने शानदार 39वां शतक लगाया। इटावा के जसवंत नगर के अंतर्गत गांव धुनवा खेड़ा में बैकहॉफ गुंडों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। फायरिंग में एक युवक को लगी गोली। दबंगों की पुलिस शिकायत करने पर मारी गोली। कानपुर के रामा हॉस्पिटल में महिला की मौत पर बवाल, डिलीवरी के दौरान हुई थी महिला की मौत। महिला के परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुरादाबाद में सपा और बसपा में हुए गठबंधन के बाद बसपा चुनाव मायावती के 63वें जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने जिला कलेक्ट्रेट पर केक काटकर मायावती का जन्मदिन मनाया। वाराणसी में सपा बसपा के गठबंधन के बाद पहली बार दोनों कार्यकर्ताओं ने बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा की सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन एक साथ मनाया। दोनों के कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी का झंडा लेकर जन्मदिन मनाया और दोनों नेताओं का केक काटकर गठबंधन को मजबूत करने का संकल्प लिया। विंध्याचल में माता विंध्यवासिनी के धाम पर मकर संक्रांति के अवसर पर 51 कुंतल का महाप्रसाद बनवाया गया। वर्ष में एक बार बनने वाले इस महाप्रसाद को ग्रहण करने के लिए दूर दूर से भक्त आए थे। मकर संक्रांति के मौके पर सहारनपुर के लोगों को मिला पासपोर्ट ऑफिस का तोहफा। अब सहारनपुर के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए गाजियाबाद या फिर नोएडा नहीं जाना पड़ेगा। पासपोर्ट ऑफिस की शुरुआत सहारनपुर के मुख्य डाकघर में। गोंडा के तरबगंज में 13 जनवरी को ही बुजुर्ग की हत्या हुई। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। जमीन के विवाद में अभियुक्तों ने लाठी डंडों से पीट कर ली थी बुजुर्ग की जान। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में बिजनौर से यूकेलिप्टस की लकड़ियां भरकर ला रहे ट्रक में चलते अचानक भीषण आग लग गई। ट्रक के चालक और परिचालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से ट्रक और ट्रक में भरी लकड़ियां जलकर खाक। कासगंज जनपद में 2 साल से हत्या के मामले में फरार चल रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सूरजपाल सिंह की सोरो पुलिस ने उनके आवास पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ ही पूर्व जिला अध्यक्ष के बाकी फरार साथियों की तलाश में पुलिस जुट गई। मथुरा के निजी यूनिवर्सिटी में छात्रा ने की आत्महत्या। MBA द्वितीय वर्ष की थी छात्रा। मथुरा के थाना वृंदावन कोतवाली इलाके के GLA यूनिवर्सिटी का मामला। छात्रा की मौत के बाद परिजनों में रोष। कॉलेज प्रशासन छात्रा की मौत को दबाने में लगा। मैनपुरी में फोर्स की तैयारी करने के लिए सड़क पर दौड़ लगा रहे 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दौड़ लगा रहे 3 युवकों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। अमरोहा में बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के मौके पर काटे गए केक की जमकर लूट देखने को मिली। केक की लूट से कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों में रोष नजर आया। बुलंदशहर में प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा प्रमुख मायावती का जन्मदिन बसपा कार्यालय पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन के दौरान केक खाने को लेकर लोगों में मची जमकर धक्का मुक्की। लोगों ने मचाई केक की लूट। बिजनौर के कोतवाली शहर के इंद्रावाल भवन में मायावती के जन्मदिन पर केक खाने को लेकर लोगों में मची होड़। केक की छीना झपटी कर भागे बसपा कार्यकर्ता। गोंडा में मायावती के 63वें जन्मदिन पर काटा गया 63 किलो का केक। केक खाने को लेकर कार्यकर्ताओं में मची होड़। एक दूसरे से केक लेकर भागे कार्यकर्ता।
कासगंज में सहावर कोतवाली के नगला कुबेर में देवर ने फावड़े से विधवा भाभी की हत्या कर दी और भाभी की बहन को भी गोली मार दी, इससे गंभीर रूप से घायल हो गई। भाभी की जमीन हड़पने के लिए देवर ने की भाभी की हत्या। चंदौली के जिला अस्पताल में बाबू के घर हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। चोरी के सामान के साथ पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी के माल के साथ ही एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। गोंडा में आवारा जानवर को पकड़ने के लिए की गई मुख्यमंत्री की चेतावनी बेअसर। दर्जनों जानवर खड़ी फसल को कर रहे बर्बाद। गोंडा में गौशाला खुली होने के बावजूद खुलेआम घूम रहे आवारा जानवर, जिम्मेदारों ने मूंद रखी है निगाह। बलरामपुर में बजाज शुगर मिल के लिए फूट रहा किसानों का गुस्सा। गन्ना भुगतान का करोड़ों रुपए बकाया होने के बाद भी नहीं कर रहे भुगतान। नाराज किसानों ने बजाज शुगर मिल का सप्लाई रोकी। मैनपुरी के थाना औचा के पराहार गांव में एक युवक की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा में चोरी के मोबाइल बेचे जा रहे ऑनलाइन। ली कंपनी के चोरी के मोबाइल पर पूरे देश में बेचे जा रहे हैं ऑनलाइन। कंपनी से चोरी हुए थे 2500 मोबाइल। टेक्निक्स ऑनलाइन कंपनी बेच रही चोरी के मोबाइल। बेंगलोर की ऑनलाइन कंपनी चोरी के मोबाइल बेच रही है। खरीदारों के पास अब पुलिस का फोन जा रहा है। हरदोई की संडिला में फैक्ट्री के मालिक से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले युवक को सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पुलिस ने युवक के पास से एक तमंचा, कारतूस, मोबाइल और दो सिम कार्ड बरामद किए हैं, जिससे उनसे रंगदारी मांगी थी। गिरफ्तार युवक कंपनी का ही कर्मचारी निकला। बुलंदशहर कोर्ट में पेशी पर आया लूट का आरोपी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। जब तक पुलिस को मालूम होता तब तक काफी देर हो चुकी थी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। लखनऊ की चौक थाना पुलिस का बड़ा खुलासा। वहां चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के लोगों से चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद की। ये लोग लगातार चौक क्षेत्र में वाहन चोरी कर रहे थे। कन्नौज में गर्भपात कराने वाली अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। गर्भपात के बाद भ्रूण को कूड़े में दान में फेंका गया। भ्रूण को कुत्तों से नोचने पर जानकारी दी गई। शामली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। भवन थाना क्षेत्र के NH-79B पर बुलेट बाइक और वैगनार कार की जबरदस्त भिड़ंत। बाइक सवार दो लोगों की मौके पर मौत, जबकि कार सवार एक बच्चा और महिला गंभीर रूप से घायल। AMU में उठी दिव्यांगों के लिए आरक्षण की मांग। सैकड़ों दिव्यांगों ने AMU सर्किल से प्रोटेस्ट मार्च निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। सभी दिव्यांगों का कहना है कि उन्हें भी AMU में एडमिशन के लिए आरक्षण देना चाहिए। लखनऊ के BKT तहसील में वकीलों ने लेखपाल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तहसील दिवस की कार्रवाई को किया बाधित। मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने नहीं किया है लेखपाल को गिरफ्तार। SDM ने दिए निर्देश। फिरोजाबाद पुलिस ने 15 दिन पहले हुई युवक की हत्या का खुलासा करते हुए युवक की पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। कानपुर में समाजवादी पार्टी महिला सभा के सांसदों ने डिंपल यादव का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। सैकड़ों की तादाद में महिला कार्यकर्ताओं ने अपनी सांसद का जन्मदिन केक काटकर मनाया। ग्रेटर नोएडा के दनकौर कस्बे में डकैतों ने घर में डाली डकैती। पूरे परिवार को बंधक बनाकर आराम से की लूट। घर वालों को विरोध करने पर बदमाशों ने घर के लोगों के साथ की मारपीट। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ दर्ज किया लूट का मुकदमा। अमरोहा पुलिस ने जिले में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र के अलावलपुर गांव में सरसों की थ्रेसिंग करवाते समय हुआ हादसा। सरसों को थ्रेसर से कटवा रहे युवक की उसने फंसने से ही मौत। ग्रामीणों ने शव को थ्रेसर से बाहर निकाला। हरदोई में बसपा सुप्रीमो मायावती के 63वें जन्मदिन के मौके पर सपा बसपा के नेता और कार्यकर्ता एक साथ नजर आए और साथ में केक काटकर एक दूसरे को जन्मदिन की बधाई दी। मऊ पुलिस की नशे के कारोबारियों पर कठोर कार्रवाई। पुलिस की संयुक्त टीम ने एक युवक के पास से 540 ग्राम हीरोइन बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत 54 लाख रुपए बताई जा रही। बलिया पुलिस की सदर कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब से भरी एक इनोवा कार पकड़ी। पुलिस को इनोवा कार से 1171 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने मौके से 5 शराब माफियाओं को पकड़ी गई शराब की कीमत 1 करोड़ के आसपास।
पीलीभीत पुलिस ने 5 लोगों को जहर देकर मौत की घाट उतारने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से मृतकों के घर से चुराए गए 80,000 रुपए भी बरामद किए हैं। आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। महोबा की शहर कोतवाली में पेशी पर आए 15 वर्षीय किशोर कैदी ने खाया जहर। कैदी के जहर खाने से बंदी रक्षकों में मचा हड़कंप। युवक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कैदी की हालत नाजुक। झांसी के लक्ष्मी मैरिज गार्डन में बसपा सुप्रीमो मायावती जन्मदिन पर अलग तरह का नजारा देखने को मिला। बसपा के मंच पर झांसी के समाजवादी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा जुटा। दोनों पार्टी के लोगों ने मिलकर मनाया जन्मदिन। जिला कारागार अलीगढ़ से जनपद हाथरस न्यायालय में पेशी पर आए भाई से मिलने पहुंची बहन की कैदियों की गाड़ी से कुचलकर मौत हो गई। युवती की मौत से परिजनों ने मचा कोहराम। पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छोटे से ये जिंदगी से भरे इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा संग संग तेरे चल रहे सफर में बन के तेरे ये रहनुमा मुसाफिरा तू है चला मुसाफिरा रे हो बेखबर बेफिक्रा मुसाफिरा रे हौले हौले से कहती है क्या ये छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर कमला पसंद अनोखा स्वाद। Stop renting, start owning. Logix Group presents Live the Life You Deserve at Blossom County, Noida, Sector 137, 2BHK, 3BHK, 4BHK and Penthouse. Ready to move in. Leading schools and hospitals are in a radius of 5 kilometers. More than 550 families have moved in. Give a vibrant beginning to life at Blossom Greens, Noida, Sector 143, near to proposed metro station and expressway. Ready to move in 2BHK, 3BHK and 4BHK apartments. Hurry up and book your flats now with our exclusive sales partner, India Bulls. पतंजलि बिस्किट 100% स्वास्थ्य और खुशी कोलेस्ट्रॉल ट्रांस फैट और अनहेल्दी मैदा रहित इंडिया खाएगा हेल्दी बनेगा हेल्दी। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में अब्सॉर्ब होके उसे अंदर से निखार देती है। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है। सर्दी खांसी जुखाम एक आम बात है, ऐसे में लीजिए 100% आयुर्वेदिक मुल्तानी कुका कॉफ सिरप ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। है मजा सेहत भरा गोल्डी की हींग श्रृंखला जिसके कण कण में जान है। गोल्डी हींग